अच्छा तो ये स्किन केयर रूटीन जो है ये नाइट टाइम के लिए है सिर्फ क्योंकि एजिलक एसिड और ट्रैटनाइन आपकी स्किन को प्रोन टू हीट कर देते हैं सो इट्स बेटर कि आप इसको सिर्फ नाइट टाइम में अप्लाई करें ताकि डे टाइम में आपकी स्किन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है इनकी वजह से वो बर्न नहीं हो हीट या फिर सनलाइट की वजह से अच्छा तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपने फेस को वॉश करना है किसी भी माइल्ड क्लिनज़र या फ़ेस वॉश से और उस क्लिनज़र के अंदर या फेस वॉश के अंदर कोई भी एक्टिव इन्ग्रीडियंट नहीं होना चाहिए आफ्टर वॉशिंग योर फेस आपको अपने फेस को कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है जब आपका फ़ेस हल्का सा मॉइस्ट होगा उसके बाद ही आपको फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है और केस अगर आपका फ़ेस कम्प्लीटली ड्राई हो गया हो तो आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं मैं यहाँ पर सैद का रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ आप कोई सा भी जो आपको सूट करता हो वो आप रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए अच्छा जब आपकी स्किन हल्की सी मॉइस्ट होगी तो आपको सबसे पहले नियासनोमाइट सीरम अप्लाई करना है आई एम रिपीटिंग एट आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो नियासनमायट सीरम होगा उसके बाद आप अदर इंग्रेडिएंट्स अप्लाई फर्स्ट स्टेप में नियासनमायट सीरम अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर नियासनोमायट सीरम सेरामाइड्स की एक लेयर क्रिएट कर देता है जो आपकी स्किन को और हाइड्रेट रखता है नियन सीरम के फ्यू ड्रॉप्स लेके अपनी मॉइस्ट स्किन के ऊपर आपको अप्लाई करना है और अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब होने देना है नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपका नियसन सीरम अच्छी तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्व हो जाए कंप्लीटली लाइक दिस आप देख रहे हैं मेरे हैंड के ऊपर जहां मैंने नियसलमाइट सीरम अप्लाई किया था वो कम्पलीटली जो है एबजॉर्व हो चुका है और आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी विजिबल नहीं है एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं सैंडविच मेथड से ट्रीटमेंट क्रीम अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये सेफेस्ट मेथड है तो मैं यहाँ पर हिमालय की जो है नरिशिंग क्रीम यूज़ कर रही आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं इस तरह से इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेकर हम अपनी स्किन के ऊपर फर्स्ट लेयर कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने देंगे इस स्टेप के अंदर भी आपको मेक श्योर sure करना है कि मॉइस्चराइज़र कम्प्लीटली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए बिफोर अप्लाइंग एनी थिंग एल्स एज यू कैन सी दैट के मॉइस्चराइजर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में अब अप्लाई करेंगे हम ट्रेटनाइन क्रीम हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो ट्रेटनाइन क्रीम होगा अच्छा ट्रेटनाइन क्रीम की आपको पी साइज अमाउंट लेनी है

मर्जी के मॉइस्चराइजर से ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो कोई लाइट मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं आप सेकेंड टाइम में इस तरह से थोड़ी सी अमाउंट लेनी है और अच्छी तरह से स्किन के अंदर इसको भी एब्जॉर्ब कर लेना है बिफोर अप्लाइंग नेक्स्ट स्टेप ना यू कैन सी दैट के मॉइस्चराइजर की सेकेंड लेर भी अच्छी तरह से स्किन के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गई है अब हम अपलाई करेंगे स्किन और इन क्रीम यानी एजिलिक्षा अच्छा, एजेलिकसिड आप बिफोर अपलाइंग सेकेंड लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं अच्छा अगर आप एजिलिक एसिड पहले से अपलाई कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि एजिलिक एसिड अप्लाई करने से स्किन के ऊपर थोड़ी सी टिंगलिंग होती है एचिनेस होती है और स्किन अनकम्फर्टेबल फील होती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर टिंगलिंग और एचिंग ना हो तो आप इसको सबसे लास्ट में अप्लाई करें जब आप तमाम अपनी स्किन केयर कर चुके हैं और आपकी स्किन कम्पलीटली हाइड्रेट हो इस तरह से एजेलिक एसिड लास्ट में अप्लाई करने से ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म का बर्निंग इफेक्ट नहीं होगा टिंगलिंग या फिर इचनेस नहीं होगी एंड बिलीव मी एक बार आप इस तरह से अप्लाई कर लेंगे तो आप कभी भी इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लेस इरिटेटिंग मेथड है अच्छा जैसा कि हम तमाम स्टेप्स अप्लाई कर चुके हैं अब लास्ट में हम अप्लाई करेंगे एजिलिक एसिड इस तरह से थोड़ी सी अमाउंट लेके आपको एजिलिक एसिड की अप्लाई करनी है अच्छा अमाउंट डिपेंड करती है या तो आप जो है सिर्फ अफेक्टेड एरियाज़ पर लगाएंगे जहाँ आपको जरूरत है या फिर आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं लेकिन इसकी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगानी है आपको इसकी थिन लेयर ही अप्लाई करनी है आई वुड लाइक टू मैंशन वन थिंग मोर के देखें आप इस तरह से स्किन और इन क्रीम जो है वो कम्पलीटली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुई है ये कम्पलीटली एब्जॉर्ब नहीं होगी और इस तरह से एक लेयर ही आपकी स्किन के ऊपर मौजूद रहेगी आफ्टर एब्जॉर्बिंग इट तो इससे आपको परेशान नहीं होना है इसको बिल्कुल भी बिगड़ना नहीं है या किसी भी तरह से इसको इरिटेट नहीं करना है इसको इसी तरह रहने देना है ये इसी तरह ही रहेगी ये कम्प्लीटली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी दिस वॉज आवर लास्ट स्टेप इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना यू हैव टू स्लीप ऑन दैट और मॉर्निंग में आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे अच्छा मॉर्निंग में क्या करना है आपको अपने फेस को वॉश करना है वॉश करने के बाद आप चाहें तो न्यासन सीरम अप्लाई कर सकते हैं जो लोग वाइटामिन सी अप्लाई करते हैं वो मॉर्निंग में वाइटामिन सी भी अप्लाई कर सकते हैं देर इज़ नो हार्म इन दैट इसके बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे और अपनी मर्जी का कोई भी एस पी एफ अप्लाई कर लेंगे अच्छा एस पी एफ़ इज मस्ट क्योंकि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती है स्किन और टैटनइन अप्लाई करने की वजह से तो आप कोई अच्छा सा सिक्सटी प्लस एस पी एफ़ भी ज़रूर अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट We are done with our skincare of PM and AM. So this is it for now. I hope it might help. Thank you so much for watching. Next video Till Allah hafiz.